सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल उत्ते सारयां दा स्वागत है जी। इस बुलेटिन दे विच आपां गल करांगे 16 मई दीआं दुपहर अते शाम दीआं कुछ खास ते वड्डीआं खबरां दे बारे। उस तों पहलां सारे वीरां भैणां नूं बेनती है, जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता जी, उह चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो। जेकर तुहानूं जानकारी चंगी लगे तां वीडियो नूं लाइक जरूर कर देना जी। सो दोस्तों, गल करदे आं सब तों पहली वड्डी खबर दी। CBSE बोर्ड एग्जाम अज इस समय जारी होगी 10वीं अते 12वीं प्रीख्या की डेटशीट। CBSE की 10वीं अते 12वीं जमात दीआं प्रीख्या की डेटशीट अज भाव शनिवार नूं शाम 5 बजे जारी होगी। इस संबंध में केंद्रीय मनुखी वसीले विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी कारण CBSE दीआं बचियां हुई प्रीख्यावां दी अनिश्चितता बनी हुई सी। विद्यार्थियों की उत्सुकता नूं देखदिआं असीं जमात 10वीं अते 12वीं प्रीख्या की डेटशीट शाम 5 बजे जारी करांगे। अगली मुख्य खबर दोस्तों, पंजाब दा इह जिला होया करोना मुक्त, ठीक हो के घरां नूं परते 19 मरीज। पंजाब विच करोना वायरस कहर दौरान राहत की खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब दे जिला बरनाला विच करोना वायरस के 19 मरीज ठीक हो के घरां नूं परते हन। इन्हां दे ठीक होण तों बाद पंजाब दा इह जिला करोना मुक्त हो गया है। हुण इत्थे करोना वायरस का कोई भी एक्टिव मामला नहीं है। दस दईए कि बरनाला जिले में करोना वायरस के कुल 21 मामले सामने आए सन। अगली मुख्य खबर दोस्तों, फिरोजपुर होया करोना मुक्त, सारे मरीज होए सेहतयाब। जिला फिरोजपुर अंदर 44 करोना पॉजिटिव आए सन, जिन्हां विचों हुण 41 व्यक्ति सिविल हस्पताल अंदर जेरे इलाज सन। समूह व्यक्ति सेहतयाब होने नाल अज जिला फिरोजपुर एक बार फिर तो करोना मुक्त हो गया है। दसणयोग है कि 39 व्यक्तियों की करोना रिपोर्ट कल नैगेटिव आ गई सी, बाकी रहिंदे 3 व्यक्तियों की करोना रिपोर्ट अज नैगेटिव आ गई है। अगली मुख्य खबर दोस्तों, बाजवा चन्नी विवाद, कैप्टन ने जाखड़ नूं सौंपी राजीनामे की जिम्मेवारी। पेंडू विकास अते पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा अते तकनीकी सिक्ख्या मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विचाले पैदा होया विवाद फिलहाल खत्म हुंदा नज़र नहीं आ रहा है। सूत्रां अनुसार दोवें मंत्री आपो अपने स्टैंड उत्ते कायम हन। इस विवाद तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खासे खफा नज़र आ रहे हैं। सूत्रां मुताबक मुख्यमंत्री ने इस विवाद नूं नबेड़न अते दोवां मंत्रियों विचाले सुलह करवाउण दी जिम्मेवारी सूबा कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ नूं सौंपी है। दरअसल शराब के सरकारी मालिए च घाटे ते उठा सियासी विवाद मुख्य सकत्तर नूं निशाने उत्ते लैण तों बाद कांग्रेसी लीडरां दे आपसी कलेश तक पहुँच गया है। वीरवार नूं मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने सहयोगी मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने उन्होंने धमकाने की कोशिश की है, दलित होने कारण उन्होंने दबाया जा रहा है। दूजे पासे पेंडू विकास मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने पत्रकारों सामने चन्नी के दोषों को सिरे तो खारिज कर दिया है। अगली मुख्य खबर दोस्तों, केंद्र वालों दित्ती राहत नाल किसान खुदकुशी लई मजबूर होणगे लखोवाल। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जनरल सकत्तर हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोना महामारी दौरान जो 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलानिया है, उस च किसानों नूं कुछ नहीं दिता गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों ऐलाने आर्थिक पैकेज किसानों नूं राहत देने की बजाय सगों खेती ब्याज 3 महीने लिए अगे वधाया है, जबकि सरकार नूं चाहिए सी कि वह किसानों का सारा कर्जा माफ कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों नूं नवे किसान क्रैडिट कार्ड बना के होर कर्जा देने का ऐलान किया है, जबकि किसान पहलां तो ही बैंकों के करजाई हो चुके हैं और फसलों का भा पूरा ना मिलन कारण डिफाल्टर भी कर दिए गए हैं। अगली मुख्य खबर दोस्तों, राहुल गांधी की PM मोदी को अपील, अस्थाई तौर उत्ते लागू होवे खाते च नकदी पाउण दी योजना। कांग्रेस के सबका प्रधान ते वायनाड तो संसद मैंबर राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही खेतरी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों नाल गलबात कर रहे हैं। सबका कांग्रेस प्रधान ने कहा कि अज साडे देश के गरीबों को पैसे की लोड़ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पैकेज उत्ते मुड़ विचार करने की बेनती करता हाँ। वह मजदूरों के खाते में सीधे तौर पर पैसे पाने बारे जरूर सोचन, क्योंकि यह लोग साडा भविख हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह वेखना होगा कि तालाबंदी हटाने समय ना तो साडी आर्थिकता नुकसान पहुँचे और ना ही करोना वायरस कारण लोगों दीआं जानां जाण। दस दईए कि इस तों पहलां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो करोना संकट नाल जूझ रहे सारे कामियां दे खात्यां विच घट्टो घट 7500 रुपए पाउण दी मंग कीती सी।
अगली मुख खबर दोस्तों, कपूरथला च 5, मोगा च 2 ते लुधियाना च 1 करोना पॉजिटिव केस। पंजाब च कुल गिनती हुई 2011। पंजाब च शनिचरवार नूं 8 नवें करोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कपूरथला च 5, मोगा च 2 ते लुधियाना च 1 नवां मामला सामने आया है। इस दे नाल ही सूबे च कुल गिनती 2011 हो गई है। लुधियाना च सामने आया पॉजिटिव मरीज़ भी एक टायर फैक्ट्री का मुलाजम है। कपूरथला जिले च अज 5 नवे मामले सामने आए हैं। 13 मई नूं दुबई तो परते लोगों चों 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक केस फगवाड़ा नाल संबंधित है। सेहत विभाग ने इन्हां नूं कपूरथला के कॉलेज च क्वारंटीन किया सी। मोगा च 2 नवे करोना पॉजिटिव केस सामने आने नाल एक बार फिर सहम का माहौल बन गया है। इस दे नाल ही जिले च कुल गिणती 60 हो गई है। मोगा के सिविल सर्जन आदेश कंग ने दसाया कि 2 नवे केस भी हजूर साहब तो वापस परते श्रद्धालु ही हैं, जिन्हां नूं पहला ही जलालाबाद विखे एकांतवास च रख्या होया सी। अगली खबर दोस्तों, डेयरी खेत्र च चालू कार्ज पूंजी कर्जे उत्ते ब्याज च मिलेगी छूट। कोविड-19 ने हर खेत्र के नाल नाल डेयरी खेत्र च भी आर्थिक मार की है, जिसनों कुछ राहत देने लिए मच्छी पालन पशु पालन और डेयरी मंत्रालय ने डेयरी खेत्र के लिए चालू कार्ज पूंजी कर्जे उत्ते ब्याज में छूट योजना की शुरुआत की है, जिस अधीन 2020-21 दौरान डेयरी सहकारी कमेटियां अते किसान उत्पादक संगठनों नूं मदद दी जाएगी। जिक्रयोग है कि लॉकडाउन दौरान दुध की खरीद अते विक्री विच काफ़ी कमी हुई है, क्योंकि दुध डेयरी सहकारी कमेटियां ने इस समय वड्डे पद्धर उत्ते लंबे समय तक वरतों के प्रोडक्ट्स जिवें दुध पाउडर सफेद मक्खण घ्यो UHT दुध आदि के उत्पादन अपनाया, जिसके चलदियां इस खेत्र नूं काफ़ी आर्थिक मंदी झलनी पई। अगली मुख खबर दोस्तों, वंदे भारत मिशन एयर इंडिया की स्पैशल फ्लाइट राही अमरीका तो परते 121 भारती। वंदे भारत मिशन तहत अमरीका तो एयर इंडिया की स्पैशल फ्लाइट 121 भारती यात्रियों नाल शनिवार की सवेर नूं हैदराबाद स्थित राजीव गांधी कौमांतरी हवाई अड्डे उत्ते उतरी। हवाई अड्डे के बुलारे ने दसाया कि जहाज च 121 यात्री सवार सन, जो कि अज सवेरे 3:14 से अमरीका के न्यूयॉर्क तो हैदराबाद पहुंचे। यात्रियों की मुख्य यात्री टर्मीनल उत्ते स्क्रीनिंग की गई और सैनेटाइज किया गया। इमीग्रेशन ते होर नियम पूरे किए जाने तो बाद यात्रियों नूं गृह मंत्रालय वालों जारी नियम मुताबक 14 दिन के समय दौरान क्वारंटीन विच रहना होगा और सारिया तय स्थानों उत्ते ले जाया जाएगा। अगली मुख खबर दोस्तों, जाणो बिना राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त किवें मिलेगा 5 किलो अनाज और चावल। कोरोना वायरस की इस दुख की घड़ी में भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों लिए मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत 2 महीने लिए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिता जाएगा। जिहड़े मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बनया है, उन्होंने भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चने 2 महीने लिए दिते जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस नाल 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय खुराक और सप्लाई विभाग का कहना है कि जे किसी को राशन कार्ड नहीं है तो उसनु अपना आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पवेगा। इस तो बाद उसनु एक स्लिप मिलेगी, जिसनु दिखाउण ते मुफ्त अनाज मिल जाएगा। इस दे लई राज सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू कर सकती है, जिवें कि दिल्ली सरकार चला रही है। केंद्रीय खुराक और सप्लाई विभाग मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने राहत पैकेज तहत प्रवासी मजदूरों लिए विशेष ऐलान किए हैं। अगली मुख खबर दोस्तों, सहकारिता विभाग के सारे अधिकारियों मुलाजमान का होगा 25 लाख का बीमा। कोविड-19 संकट में फ्रंटलाइन से डटे अपने समूह अधिकारियों मुलाजमान वालों निभाई जा रही अपनी ड्यूटी के मद्देनज़र सहकारिता विभाग वालों एक अहम फैसला लिया गया है, जिस अधीन वह अपने विभाग के सारे मुलाजमान का 25 लाख रुपए का बीमा कवर करवाएगा। यह बीमा रेगुलर ठेके और आउटसोर्सिंग उत्ते काम कर रहे सारे मुलाजमान का किया जाएगा, जो इस वेले कोविड-19 संकट के मद्देनज़र लगाए करफ्यू दौरान लोगों को जरूरी सेवावां मुहैया करने लिए दिन रात काम कर रहे हैं। यह जानकारी सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों अज इत्थे जारी एक प्रैस बयान राही दी गई। सहकारिता मंत्री ने अगे जानकारी देंदे हुए दसाया कि फ्रंटलाइन उत्ते काम कर रहे 5 सहकारी अदारिया शुगर फैड, मिल्क फैड, मार्क फैड, पंजाब राज सहकारी बैंक ते पंजाब राज सहकारी खेतीबाड़ी विकास बैंक के 14,905 कर्मचारियों का 25 लाख रुपए का प्रति मुलाजम बीमा कवर 1 साल लिए किया जा रहा है। इस बीमे लिए प्रति मुलाजम 1977 रुपए समेत GST प्रीमियम खर्च आ रहा है, जिस तहत सारे 14,905 मुलाजमान के बीमे लिए प्रीमियम का कुल खर्च 2.95 करोड़ रुपए आएगा। प्रीमियम की रकम संबंधी सहकारी अदारे वालों आपो अपने मुलाजमान की गिणती के हिसाब न अदा की जाएगी।
सो दोस्तों ये सन हुण तक दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डीआं खबरां। होर खबरां नूं जानण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी ते वीडियो नूं अपने दोस्तां मित्रां ते परिवार नाल जरूर शेयर करो जी। धन्नवाद दोस्तों।